मुंशी जी वो देखिए डैडी का प्लेन, डैडी आ गए, डैडी आ गए। कम मिस्टर रिचर्ड। हेलो डैडी। हेलो विकी। मिस्टर सक्सेना गाड़ी में बिठाइए इन्हें प्लीज। कम मुंशी जी और तो सब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, मगर राय साहब मैं विक्की के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुंशी जी कल बात कर लीजिएगा, दरअसल बात यह है कि मिस्टर रिचर्ड को अपने नए स्टील प्लांट पर ले जा रहा हूँ। देखा मुंशी जी आज भी डैडी ने हमें प्यार नहीं किया। बेटे तुम्हारे डैडी को काम से फुर्सत ही कहां, मैं जो हूं तुम्हें प्यार करने वाला। आ। ये हम क्या सुन रहे हैं मुंशी जी, विकी ने शराब पीना शुरू कर दी है। उसे तो हमने आपके हवाले किया था और आपने उसे शराबी बना दिया। राय साहब इसके जिम्मेदार आप हैं। हम? ये क्या भक्ति हैं आप? जी राय साहब विक्की को शराबी बनाने वाले आप हैं। आप आपको दौलत कमाने से फुर्सत नहीं थी और नन्ना बेचारा विक्की अपने बाप के प्यार को तरसता रहा। आपके पास तो इतना भी वक्त नहीं था कि अपनी मरती हुई बीवी को आकर देखते भी। वो रात मुझे आज भी याद है जब आप डॉक्टर पे डॉक्टर भेज रहे थे। मुंशी जी 5 मिनट के लिए डॉक्टर साहब को बाहर जाने के लिए कहिए। डॉक्टर साहब बाहर जाइए। मेरी जिंदगी का दिया तो पूछ रहा है मुंशी जी, मैं विक्की को आपकी गोद में डालती हूँ, इसे इसे माँ की तरफ पालना, क्योंकि मैं जानती हूँ इसके बाप के होते हुए भी इसे बाप का प्यार नहीं मिल सकता। जो इंसान मरती हुई पत्नी को देखने नहीं आ सकता वो अपनी औलाद को क्या देखेगा। मैं विक्की को आपके आपके हाँ। बेटे अब तो जिएगा ना, मेरे लिए ना सही, मेरी बहू के लिए।